अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अपोजिशन लीडर ने अपने पीएमएलएन के सीनियर लीडर्स के साथ एक लंबी प्रेसर किया, जिसके अंदर उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया। जो रूलिंग पार्टी है तहरीक इंसाफ, उनका जो 2 साल कारकर्दगी है उसके ऊपर उन्होंने एक वाइट पेपर, हकायकनामा उनकी नज़र में पेश किया और रिजेक्ट किया हुकूमत के तमाम इकदाम को। कहा कि बहुत महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और शहबाज शरीफ के बकौल अब लोग पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। ये क्लेम थे, ये वाइट पेपर था, बहुत सी और भी डिटेल हैं इसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जबकि आज प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, दैट मींस कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, जो कि किसी भी मुल्क की एक बड़ा इंडिकेटर होता है तरक्की का। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें बहुत कमी आई है और जिसकी वजह से पाकिस्तान एक नई तरक्की की राह पे चल पड़ा है। कितनी हकायक हैं इन दोनों क्लेम के अंदर, अपोजिशन का क्लेम और देन गवर्नमेंट के 2 साल जो टेन्योर गुजरा है, हकीकत में वो किस तरह रहा लोगों के लिए, गवर्नेंस के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, मीडिया हैंडलिंग के हिसाब से, इस दौरान इस 2 ईयर्स के अंदर अपोजिशन का क्या रोल रहा इन मुख्तलिफ एरियाज़, या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ख़ास तौर पे इन 2 ईयर्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही, अपोजिशन का वाइट पेपर क्या कहता है, हुकूमत के क्लेम क्या हैं, क्या दुरुस्त है उसका फ़ैसला करेंगे। आप बतौर जज मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ़ एडिटर रोज़नामा संगे मील, सीनियर एनालिस्ट हैं किसवर रूहानी साहब। रूहानी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक वज़ीर, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट चौधरी जाफर इकबाल साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नाज़िम हमारे साथ कर रही हैं डॉक्टर नुशाबा मनान साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और प्रोफेशनली वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ की, क्या ऐसा 2 ईयर्स में, मैंने नहीं उनकी पूरी प्रेसर के अंदर देखा कि 3, 4 या 5 पॉइंट्स कोई ऐसे भी होते कि ये चीज़ें बेहतर हुई हैं, आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे वाइट पेपर के अंदर कोई ऐसा काम 2 सालों में बेहतर नहीं हुआ लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। प्रेसर को आप छोड़ दें, नून लीग को छोड़ दें, आप गली मोहल्ले में निकलें, आपका माशाल्लाह इदारा है, मोतबर इदारा है, और आप कोई एक चीज़, हस्पतालों की बात कर लें, स्कूलों की बात कर लें, चलें बेहतरी नहीं आ सकती 2 साल में, कोई बजट डॉक्यूमेंट उठा लें, पंजाब गवर्नमेंट का हो, केपीके का हो या फेडरल गवर्नमेंट का, कि जो बजट तालीम और सेहत के लिए हम दे रहे थे क्या उससे ज़्यादा रखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ इन प्रोसेस है। चलें कोई ख्वाब, कोई खाका, कोई तखय्युल, कोई चीज़ ऐसी जो ब्लैक एंड वाइट में पीटीआई ने अभी तक दी हो, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क के अंदर कारखाने, सनतें लगने लगाने का कोई ऐसा सिलसिला कतन कोई नहीं। अगर इन्होंने जो 4-6 चीज़ें दी थी जिनके बारे में कहा था, अगर आप नौकरियों की तादाद गिने और देखें तो फिर जो हकायक हैं वो क्या कहते हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के एनालिसिस के मुताबिक, 1 करोड़ अभी 3 साल भी तो बाकी हैं जी, 2 साल में नहीं, 2 साल में 50 लाख लोग बेरोज़गार हुए। फिर ये था, फैसल वाडा साहब किसी प्रोग्राम में थे तो वो कहने लगे जी बस ये 2 महीने की बात है, ये देखिए हामिद मीर साहब के साथ जो नौकरियां, इसी तरह बहुत शोर गोगा हुआ और बड़े धड़ल्ले से नया पाकिस्तान, हाउसिंग के प्रोजेक्ट का नाम नया पाकिस्तान। पहला गबन तो ये हुआ कि ऑलरेडी हमारे पास वफाकी वजारत के मतहत जो है वो पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन मौजूद है, अब नया लगाना ज़रूरी था, अगर वो नया लफ्ज़ कामयाबी के लिए ज़रूरी है तो ठीक है, लगा लिया आपने। फिर जब वो लगा लिया, कर लिया, आज 2 साल गुजर गए, कोई एक ज़मीन का टुकड़ा जो मुख्तस किया गया हो उन 50 लाख घरों के लिए भी, ये है यहाँ बनेंगे, कोई एक सिंगल की जो स्कीम आई है पूरी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज किया गया, जो रियल स्टेट सेक्टर के लिए जो पैकेज अनाउंस किया पीएम ने, नहीं तो जो रियल स्टेट सेक्टर के लिए है ना, वो बिल्कुल उसे इतराफ किया गया है, उसके मैं भी उसका मोतरफ हूँ और मैं भी सोचता हूँ काश मेरे पास भी कहीं कोई ब्लैक मनी पड़ी होती और मुझे ये जो मुद्दा दी गई है कि अगर इसमें मैं इन्वेस्ट कर लूँ, कोई प्लाजा बना लूँ, कोई बिल्डिंग बना लूँ, तो मुझसे पूछा दिसंबर तक पूछा नहीं जाएगा, उससे इस्तफादा करेंगे बहुत कामयाबी से वो लोग करेंगे जिन्होंने चीनी चोरी की,
पैसा कमाया, वो लोग करेंगे जिन्होंने आपकी अदवायात जो हैं 400% महंगे की, आमिर कियानी साहब कई करोड़ का अरब का वो था उसमें, गुलाम सरवर खान साहब दो शिपमेंट्स दिसंबर 2018 में लेट हुई थी आपकी एलएनजी की, और आपको बिजली के कारखाने को 1.5 माह तक डीजल पे और फर्नेस पे चलाने पड़े थे। आपने वो जो 12 रुपये आपको यूनिट बिजली मिलनी थी वो आपको 27 रुपये मिली, वो इससे इस्तफादा करेंगे उनको फायदा होगा। ये है कि आपको नहीं लगता कि इस 2 ईयर्स के अंदर, चले एक काम तो आप अप्रिशिएट करेंगे, ये काम ठीक हुआ या एक भी नहीं है? नहीं बता देना, मैं पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब, बता दें कोई डिटेल में। अगर अभी तक किसी एक चीज का इफ्तिताह किया है तो वो किसका किया है? बीआरटी का, अधूरे प्रोजेक्ट का, मुकम्मल नहीं हुई अभी, और उसमें भी जाके ये कहना पड़ा कि हाँ मैं गलत था और परवेज़ खटक तुम ठीक थे। साथ ये भी कहते थे कि मैं शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगता हूँ, मियां नवाज शरीफ से माफ़ी मांगता हूँ कि उन्होंने 90 अरब में 3 मेट्रो चला दी और लाखों लोग इस्तफादा कर रहे हैं और मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डिटेल में आते हैं सर, मैं पहले ओवरऑल, डॉक्टर साहब बड़ा कम देखा है कि आपने इतना खामोशी से ये सारा एनालिसिस सुन लिया हो, सो व्हाट्स योर टेक पीएमएलएन का आज जो उन्होंने वाइट पेपर इशू किया है, बड़ा डिटेल प्रेसर था एक शहबाज शरीफ का, पूरी लीडरशिप साथ बिठाई है, उन्होंने कहा जी कि हमने तो 11,000 मेगावाट के प्लांट्स लगाए, चीनी हमारे होते हुए मच लेस देन दिस थी जो गैर भी हो गई है, 100 रुपये से कम मिलती नहीं है, डॉलर 40% आप लोगों ने कम किया आज की इसके अंदर के जो उनकी वैल्यू है रुपी की अगेंस्ट डॉलर, वो 40% आप लोगों ने उसको डेप्रिशिएट कर दिया। सो कोई कौन से 1, 2, 3 हैं ऐसे 2 ईयर्स के अंदर ओवरऑल, फिर डिटेल में आएंगे 1 बाय 1, जो आपको लगता है कि आपके ये माइलस्टोन है, ये एक अचीवमेंट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नासिर साहब आपके मधु करने का। पहले जरा हम थोड़ा सा शोर मचा देते थे, कभी गुस्से में भी आते थे, अभी वो उस वक्त था कि अवाम के लिए अवेयरनेस आ जाए, हमें तो इल्म था, मगर अभी लोगों को भी समझ आ गई है कि ये जितना भी अब बोले मैं ना मानू वाली इनकी बातें और लतीफे जो भी ये सुनाते हैं बैठ कर सियासी, हम इसको थोड़ा सा, मुझे आप टाइम देंगे तो मैं बताऊंगी आपको। हम इकोनॉमी से शुरू कर लेते हैं, जैसे भी बताया था कि 20 बिलियन से हम 3 बिलियन पे ले आए जो करंट डेफिसिट है उसको ड्रॉप किया, ये एक ये हम नहीं कहते, इसके अलावा IMF की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की है कि स्टॉक एक्सचेंज हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया में आने वाले 2021 में उन 12 ममालिक में से होगा जो कि इंशाल्लाह ताला आप जिनके जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। इसके अलावा अगर जब आप बात करें तो ये भी बात कर रहे थे प्रोग्राम्स की, हमारे पास स्पेशली हमने जो रिलीफ फंड दिए मेरे ख्याल में 1240 बिलियन का कोरोना के दिनों में हमने रिलीफ जो फंड दिया। इसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम के तहत हमने तकरीबन इसके अंदर 145 बिलियन का 12 मिलियन जो खानदान थे उनको हमने फंड्स दिए, जिसमें से हमारा टारगेट है कि हम इसको 16 मिलियन तक ले जाएं। ये जो भी इनके इससे पहले ये समझते हैं कि इनकी कंटिन्यूटी थी, जो भी फंड्स दिए जा रहे थे वो सब एक हमने इसमें ये चीज मेक श्योर की, नादरा को एक्टिव किया, तमाम इदारे ये जो काम नासिर साहब ये जो बातें ये कर रहे हैं ना कि जो भी इनके प्रोग्राम्स थे या जो तख्तियां ये लगा रहे थे वो सब एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल लोगों को एक क्या कहते हैं एलूजन में रखने वाली बात थी, क्योंकि इनका सब जो चौधरी साहब ने बात की है कि बजाय इन इंडिकेटर्स के अगर आप गली मोहल्ले में जाएं, सो आप जब गली मोहल्ले में जाते हैं जो चीनी पहले 50-60 में थी अब 100 से ऊपर हो गई है। आप मुझे एक बात आप देखें, मैं आपसे आपके तवज्जो से प्रोग्राम की जरूर कहूंगी कि हम जो बातें कर रहे हैं ना, आप एक चीनी को पकड़ लेते हैं, एक आटे को पकड़ लेते हैं, बात तो हमने शुरू की थी, जिस चीज पे नोटिस हो जाए ना उस चीज की खैर नहीं है। आज वो एक हमने नहीं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ही बात की थी कि जो भी ये चीनी की जो कीमत बढ़ी है उसको आइडेंटिफाई भी हमने किया, अगर उसके अंदर हमारे लोग भी इन्वॉल्व थे तो हमने उनको भी पकड़ाया, हमने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं था कि हमने किसी और को इसके ऊपर ब्लेम, मैंने कहा करप्शन के ऊपर हमारा मेन फोकस था, वो ये नहीं था कि हमने अपनी बचानी थी, हमारा जो और इनकी में फर्क ये है कि ये अपनी करप्शन बचाने में थे और हमारा फोकस ओवरऑल हमारी, जैसे खान साहब ने कहा कि हमारी जाती ग्रजेस नहीं है, वापस आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी की तरफ। नहीं, वन बाई वन आना है डॉक्टर साहब, वो मैं वन बाई वन आऊंगा, ओवरऑल सिर्फ आपका एनालिसिस लिया है, मैं रोहानी साहब को भी ले लूं पॉलिसी में। देखिए नासिर साहब मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो आप एनवायरमेंट को ले लें, ग्रीन पाकिस्तान की बात ले लें, फॉरेन पॉलिसी को आप ले लें, आप उसके अंदर जो हमारी इकोनॉमी है मेरे ख्याल में बहुत, और स्पेशली
पूरी दुनिया में पहली बार कश्मीर के इशू को लेकर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात वो आज अपोजिशन ने कहा है कि अब रीजन के अंदर ही ताल्लुकात नहीं, सऊदी अरेबिया ने आपको सपोर्ट नहीं किया, यूएई ने सपोर्ट नहीं किया कश्मीर के ऊपर, हम इलाके के अंदर ही कम सपोर्ट हो गई हमारी दुनिया की। तो आप ये देखें कि सपोर्ट की बात नहीं है, जो उनका जो भी था पाकिस्तान में, तुर्की को आप ले लें, आप नहीं, पहले जो सऊदी अरेबिया और यूएई इनके दौर में खुलेआम सपोर्ट करते थे, आपके दौर में वो सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट करना खुलेआम तो कश्मीर बात को नासिर साहब सपोर्ट किधर हुई थी, अगर सपोर्ट कर भी रहे थे क्या सपोर्ट थी? आप ये सपोर्ट थी कश्मीर की, जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारे 6 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए तो उसी दिन इनके घर रायविंड में इनकी शादी पे मोदी सरकार लैंड किए थे, कौन सी सपोर्ट की आप बात करें? सपोर्ट थी कि आज पूरी दुनिया में एटलीस्ट ह्यूमन वायलेशन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जो उनके राइट्स के ऊपर हो रही है, ये एक डिबेट। डॉक्टर साहब नहीं, मैंने डिटेल में पूरा पूरा प्रोग्राम है, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं सिर्फ आपने अपना एक ओवरऑल एनालिसिस दिया ऑन इकोनॉमी एंड एवरीथिंग गवर्नेंस के ऊपर, चॉइस साहब ने भी बात की, अब चलते हैं न्यूट्रल एनालिस्ट रूहानी साहब आप क्या समझते हैं, आप ओवरऑल अगर देखें डिटेल में हम जाएंगे, ओवरऑल 2 ईयर्स का को एनालाइज करें, 1, 2, 3, 4, आपको क्या बड़ी वीकनेसेस लगती हैं और क्या बड़ी अचीवमेंट्स लगती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासर साहब, हकीकत यह है जो आज वाइट पेपर इशू किया है अपोजिशन ने, आप यकीन करें उसमें तो उन्होंने उड़ा के रख दिया गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो उनके फेवर की बात हो। सही तो लगता है उनकी जॉब है वो, अदर हाँ यस मतलब जॉब समझ के उसको किया गया लेकिन इन रियल सेंस देखा जाए एजुकेशन, हेल्थ और पावर्टी और आपकी जो दूसरी ट्रेड है, मैं अगर न्यूट्रल होकर बात करूं तो इसमें वाकई प्रॉब्लम्स आई हैं, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। इवन मीडिया के हवाले से, मेरा तल्लक मीडिया से है, इस गवर्नमेंट ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा और उनको रियलाइज़ करना पड़ा असद उमर साहब को कि जनाब हमने एहतसाब और मीडिया के हवाले से जो कुछ किया वो गलत हुआ, ही रियलाइज़। तो ये बातें आप मुझे बताएं कि किधर जा रही हैं। बाकी ये रही बात कि इन्होंने एक जो बहुत इकॉनमी के अंदर कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिस तरह रियल स्टेट का ये बड़ा ह्यूज पैकेज आया, वो मैं आता हूँ उसकी तरफ। ये जो रियल अकाउंट डेफिसिट हुआ, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इंपोर्ट कम हुई हैं, ये तो किसी भी गवर्नमेंट का सर करंट अकाउंट डेफिसिट जो नीचे ही लेकर आए हैं, दिस इज बेस्ट, ये एक अचीवमेंट, आप ये एक अचीवमेंट है। फिर COVID-19 जो हुआ उसमें इन्होंने असास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ खानदानों को, अगर वो सही दिए गए हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो 12,000 बिल्कुल ईमानदारी से पहुंचे हैं कि नहीं, कंट्रोवर्सीज नहीं आई तो लोगों को डायरेक्टली दिया गया, तो मेरे ख्याल अपोजिशन ने ज्यादा पॉइंट आउट नहीं किया। आई थिंक वो बेहतर रहा है, इनका वो प्रोग्राम बेहतर है, ये बेहतर है, और इनका कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज है वो और कोविड हैंडलिंग कैसी रही, क्योंकि ये तो अभी तक नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान लक्की है माशाल्लाह कि इतना उसका असर नहीं हो रहा, दुनिया भर में तो उसी तरह है कोविड। सो कोविड के इशू में आप गवर्नमेंट को क्रेडिट देते हैं या आप समझते हैं कि हमारा कोई इन्वायरमेंट ही ऐसा था या हम लोग को कुछ ढीठ भी थे थोड़े से? नहीं, कुछ इम्यूनिटी भी ज़्यादा है इधर, कुछ मौसम के मामला भी ऐसे थे हार्ट के समय गवर्नमेंट का, तो बाकी गवर्नमेंट का जो सा वो तो जो स्मार्ट लॉकडाउन और बहरहाल किसी हद तक वो बेहतर रहा इनका। ठीक, अब सर वन बाई वन आते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आगाज़ कर दिया फॉरेन पॉलिसी का, ये तो ओवरऑल था वन बाई वन, फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरह करते हैं और क्या नंबर देंगे 2 ईयर्स के अंदर आउट ऑफ 10 मार्क्स टोटल हैं, उसमें से आप नंबर देने हैं और रीजनिंग बतानी है कि क्या आपको लगता है कहाँ फेलियर हुआ और कहाँ बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। फेलियर तो फॉरेन पॉलिसी में फेलियर हुआ है इनका सऊदी अरब में, वहाँ सऊदी अरब को हम खड़ा नहीं कर पाए साथ, नहीं कर पाए साथ, वो एक फेलियर मैं समझता हूँ है। बहरहाल उन्होंने कहा जी हमने उसको टेक ओवर कर लिया, कवर कर लिया, ऐसी सूरत हाल नहीं है जा सके, क्रिटिसाइज हो रहा है। बाकी सी पैक के हवाले से क्या सऊदी अरेबिया और यूएई खुल के कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते रहे हैं? सॉरी, कश्मीर कॉज को यूएई और सऊदी अरेबिया पहले खुल के सपोर्ट करते रहे हैं? कभी नहीं हुआ, कहाँ किया उन्होंने, खुल के तो नहीं किया। अब इन्होंने इनकी मौकफ ये था कि ये करें, तो खैर उनकी अपनी पॉलिसीज है, वो इनके वो तो नहीं है कि जो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। बहरहाल
बाकी सीपैक के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वो इनका अच्छा रहा, उसकी एक्सटेंशन अच्छी रही ईरान के हवाले से। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने हमारा वो बहुत अच्छा उनका प्लानिंग है, प्रोग्राम है, और चाइना के साथ, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और उसके साथ इनके ताल्लुकात बढ़े हैं। दिस इज़ गुड, ये एक अच्छी अचीवमेंट है पीटीआई गवर्नमेंट की इस हवाले से। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि पीटीआई की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो इतनी बुरी नहीं हैं, वो इनके फेवर में जा रही हैं, उसमें बेहतरी आई है। ठीक है, चलिए साहब थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी पे कम, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, वन बाई वन इश्यूज पे आते हैं। सो फॉरेन पॉलिसी में आपने मार्क्स नहीं दिए 10 में से। सर मैं इनको 10 में से 6 मार्क्स दूंगा, 6 आउट ऑफ 10। जी सर, चलिए साहब तुसी 9 कर रहे हो। सब आपने अभी सर पहले मेरा सवाल अगेन, आप मुझे रीजन की, आप इकोनॉमी पे जाना चाह रहे हैं? मैं नहीं, वो बात की उस पे जो है वो दोनों अहबाब ने। देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि आपकी जो तजारत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, प्लस आप जो बोरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से वेयर यू स्टैंड। आम लफ्जों में बताएं सर, जो आप चीजें बाहर बेच रहे हैं, आप चीजें खरीद रहे हैं, आप चीजें बेच और खरीद रहे हैं, आप एक कारखाना चला रहे हैं। आपके दौर में हम खरीदते बहुत थे, बेचते कम थे। जी बिल्कुल, अब हम बेच ज्यादा रहे, खरीद कम। आपने दुरुस्त कहा, हम क्यों खरीदते ज्यादा थे, आपने 12,000 मेगावाट के कारखाने लगाए, बाहर से चीजें आनी थी ना। नहीं, ये बड़ा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट होगी। जी जी, फिर आपने उसके अलावा आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री जो उससे वाबस्ता थी वो भी सारी बेहतर चली पहले से, जब आपको बाहर से रॉ मटेरियल आपने मंगाया और फिर उनको एक्सपोर्ट भी किया। अब एक कारखाना आप बंद कर देते हैं जिसके आपके जारी अखराजात 50 लाख रुपए हैं, अब ना मजदूर की तनख्वाह है, ना रॉ मटेरियल है, ना बिजली का बिल है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, जी मैंने बड़ा तीर मारा है, ये देखें आप मेरे तो 50 लाख के 50,000 रह गए। ये है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है। आप मेजर इंडस्ट्रीज़ में से देखें, प्लास्टिक का दाना इंपोर्ट करके बहुत सारी हम चीज़ें बनाते हैं, ज़रा प्लास्टिक के दाने से चलने वाली इंडस्ट्री का आप पूछें, सर्वे करें कि इंपोर्ट कम होने की वजह से वो वहाँ कहाँ खड़े हैं। दवाई साज अदवायात बनाने वाले कारखानों को इजाज़त नहीं और बहुत सारी चीज़ें नहीं मंगा सके, आपको इंडिया से दवाइयाँ मंगानी पड़ी, आपने मंगाई, जिस वजह से जफर मिर्ज़ा साहब को छुट्टी करना पड़ी। वो अपनी जगह पे एक इशू है कि भाई आपने क्यों नहीं इजाज़त दी और क्यों नहीं। जब आपका अपना कारखाना जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, जिससे आपके लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, आपका जो ऑटोमोबाइल है वो कितना नीचे आए कारखाने, टोयोटा 7 दिन के बजाय 4 दिन काम कर रही है, सुजुकी इतने ही दिन काम कर रही है। तो जितने दिन उन्होंने काम कम किया है, जितने दिन काम कम किया है उतने लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो दिखा के करके बता रहे हैं। आप देखें ये, लेकिन आपके दौर में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा था, ज्यादा होना था ना जी, जब आपने मुल्क चलाना है। ज्यादा हो रही थी चीजें, इंपोर्ट क्यों नहीं होनी थी नासिर साहब, इंपोर्ट क्यों नहीं होनी थी जब आपने मुल्क चलाना है। रेलवे के इंजन मंगाए, पैसे आप भरेंगे, बिजली के कारखानों का सामान मंगाया, आप भरेंगे पैसे, क्यों नहीं भरेंगे। आपकी जहाज रानी में बेहतरी आई, आपने जहाज मंगाए, खरीदे, लिए, इजाफा हुआ, सड़कों की इजाफा हुआ, लोगों की सख्त तो नहीं। अच्छा, अभी 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 जो है हमारी भी आज, फिर मैंने सोचा था कि मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि चॉइस साहब टॉपिक से हटे हैं तो वन लाइनर बोल दें। मैं टॉपिक से नहीं हटा जी, मैं टॉपिक से नहीं हटा। जब करंट अकाउंट डेफिसिट को ये कहा जाए कि बेहतरी आई है, और बेहतरी ये हो कि आपका कारखाना रुक गया, तो मुझे बोलना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी पे आ जाते हैं, मैं सर इसका वन लाइनर ले, डॉक्टर साहब कहीं ये भी देखे, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, लेट से पहले हम लेटेस्ट फोन ले रहे थे और अब नहीं ले पा रहे, तो इंपोर्ट तो कम होनी है। इसको अदरवाइज भी कुछ एक्सपर्ट्स देख रहे हैं कि लोगों की सख्त कम हुई है, जो चीजें इंपोर्ट होना कम हुई हैं। साहब एक चीज देखिए, और इंपोर्ट के अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है जिसकी तरफ चॉइस आप इशारा कर रहे हैं, तो अगर आप इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जी प्लीज वन लाइनर। एक चीज आप देखें कि खासकर मैं बात करूंगी, ये जो हमने कोरोना का ये जो पूरा एक साल तकरीबन हम इसी उसके अंदर रहे, अकाउंट से कोरोना पे चले जाए, के अंदर भी आप देखें कि हमारी टेक्सटाइल, पहली बार हुआ ऐसा कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारा वो इम्प्रूव, हमारे जो कपड़ा है मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में वो दोबारा से पहली दफा जाना फैसलाबाद में बंद हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये अगर ये बात कर रहे हैं कि खसारे की, हमने इसको इम्प्रूव किया और पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। कोरोना के हालात में आप जब ये हेल्थ की बात करते हैं, जिस वक्त
इनके मैं वही वाली बात कर रही हूँ ना, कोरोना में हुकूमत को किस चीज का क्रेडिट जाता है? एक सेकंड नासिर साहब, एक ही फर्क से मैं स्टार्ट करूंगी बात को कि जब गूगल ही करते थे ना टॉप शख्सियत करप्ट दुनिया में, तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम आता था, आज दुनिया में एक ही फर्क अगर सुनने और जी अकल के लिए काफी है कि इमरान खान दुनिया में उन 500 शख्सियत में से सर फहरिस्त है जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। एक साल पुरानी रिपोर्ट है, बाकी बातें तो बीबीसी ने आज वो आप मैन ऑफ द ईयर बीबीसी ने बताया कि वो एक साल पुरानी रिपोर्ट है। आपकी पॉलिसी थी खाओ लगाओ और भिजवाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप बताइएगा कोरोना के खात्मे में, जो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है, इसके खात्मे में आप हुकूमत का क्या क्या रोल था? क्या आप लोगों ने वैक्सीन प्रोवाइड कर दी, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दी, हुआ क्या? नासिर साहब अगर आप सुनेंगे आराम से, हमारे पास बहुत महदूद वसाइल थे, उनमें रहते हुए भी पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की, WHO ने इसकी तारीफ की कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी सुपर पावरों ने घुटने टेक लिए। हमारी जो पॉलिसी थी जिसके अंदर हमने टेली सेंटर्स मेडिकल सेंटर्स का कयाम, पहली बार पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ को लेकर आप बात कर लें तो उन टेली सेंटर्स मेडिकल टेली सेंटर से कोविड का खात्मा हुआ। फैसिलिटी थी 1240 बिलियन का जो एक पैकेज दिया गया, रिलीफ पैकेज, टेली जो हमारी जो ये टाइगर फोर्स का कयाम था जिसने लोगों को घरों में सहूलियात वैक्सीन पहुंचाते रहे, कोविड की क्या करते रहे, मैं कह रहा हूं हुकूमत ने कोविड के खात्मे में हुकूमत ने क्या किया? यही वाला बात है ना, उसके उनके अंदर जो उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया, टाइगर फोर्स का कयाम था, हेल्थ फैसिलिटीज, जितने भी आप हॉस्पिटल्स देखें हमारा, इवन यहाँ पर उनके अंदर प्रॉपर एक कोरोना सेंटर का आइसोलेशन सेंटर्स महदूद वसाइल में रहते हुए उनका कयाम, इसके अंदर देखिए हुकूमत का किरदार भी था और हमारी आवाम को भी मैं इसके ऊपर मुबारकबाद दूंगी, ये एक जॉइंट वेंचर था, ये आवाम का हुकूमत का था। ठीक है, हमें हमारे जो हेल्थ के लोग हैं, आवाम तो मास्क तक भी मेजोरिटी नहीं पहनी, ठीक है ये तो अल्लाह ताला का करम हुआ, अदर देन दैट मुझे तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। चौहान साहब आप वहीं से कंटिन्यू, डॉक्टर साहब वन बाई वन काइंडली आते हैं, आप बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी की, देखें इंटरनेशनली रजिस्टर तो हुआ, टॉक ऑफ टाउन तो बना, डिस्कस तो होता रहा कश्मीर, वो एक अलहदा अगेन डिबेट है कि मोदी ने क्या किया, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के अंदर चाइना जिस तरह अभी रूहानी साहब बता रहे थे और करीब आ गया हमारे, सो हाउ डू यू एनालाइज? मुझे दोनों चीज़ों पे इख्तलाफ है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो कश्मीर दुनिया की नज़रों में तब ज़्यादा था जब वहाँ पे मुसल्ला जद्दोजहद वहाँ के लोकल लोग कर रहे थे और उन्हीं की वजह से ज़िंदा था। हम तो बैठ के इखलाकी हमायत की हद तक बात करते हैं ना, तो तब जिंदा था। और दूसरी बात कि पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं है जिसने कश्मीर का मसला भरपूर अंदाज में ना उठाया हो। बुरहान वानी को शहीद अक्वामे मुत्तहिदा के फोरम पे खड़े होके हुर्रियत पसंद किसने कहा? मियां नवाज शरीफ ने कहा, बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा। फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या होती है? वो ये होती है कि आप अपने मुल्की मफादात को, कौमी मफादात को सामने रखते हुए दूसरे ममालिक के साथ किस हद तक मामलात को बेहतर लेके चलते हैं। लेकिन सर आप अपनी कितनी हुकूमतों में नहीं ले पाए, उन्होंने कश्मीर ले लिया, उन्होंने नक्शे में डाल दिया। किन्होंने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चले मैं मेरा ख्याल है वो नक्शे में पहुंच, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और आई एम नॉट दैट मच नॉन सीरियस कि मैं दुनिया के, मैं पाकिस्तान के नक्शे में आप बंगाल शामिल कर लीजिए, बंगाल लिया ना अगलों ने, बांग्लादेश बनाया ना आपके मशरकी पाकिस्तान को, कैसे बनाया, नक्शा खींचा था, दे केम विद द राइफल्स। अक्वामे आलम की तारीख है नासिर साहब, जब आप ताकतवर थे ना, आपके घोड़े, आपकी तलवारें, आपके नेजे, तो आप दरवाज़ा खटकाते थे, पढ़ो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, खराज दो, सरेंडर करो। तो आपके लीडर गए हुए इस वक्त आप बैठे, मैं मोहतरमा आप जरा आपकी गुफ्तगू में डॉक्टर साहिबा जरा तहमुल से काम लें, बातें वो करें ना जो आपको सूट करें। मैं आपकी गुफ्तगू में नहीं बोला, अपनी आइडियोलॉजी, मैं आपकी गुफ्तगू में, आप अपने लीडर की आइडियोलॉजी बताएं जिसकी आइडियोलॉजी, मैं आपकी गुफ्तगू में मुखिल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब अगर आप ऐसे करेंगी तो फिर प्रोग्राम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, अपने जरा लीडर की आइडियोलॉजी बता दें।
आप अपने लीडर की आइडियोलॉजी बता दें। 14 अगस्त के दिन परचम कुशाई की कोई एक तकरीब बता दें जिसमें वजीर आजम शरीक हुए हों। आपने खोखला कर दिया पूरी दुनिया में। आपने डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब अभी आपकी तरफ नहीं थी। डॉक्टर साहब डॉक्टर नुशाबा में आपकी तरफ आता हूं, उन्हें कंप्लीट कर देना। नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, उन्हें कंप्लीट में आपकी तरफ ही आ रहा हूं। नहीं चलेगा, रूहानी साहब बैठे हुए हैं, आप हौसला फरमाएं। एक दफा इन्हें कंप्लीट लेट हिम फिनिश, सुने और बात सुनने के बाद आप बात करें। अगर लीडर की बात होगी ना जी, तो ये 14 अगस्त गुजरा है, पाकिस्तान का कोई मीडिया दिखा दें कि जनाबे वजीर आजम ने परचम कुशाई की हो, कहीं खड़े होके योम आजादी के मौके पर दुआ की हो। वो जागते 1:30 बजे हैं, 1 बजे उनकी ट्वीट आई, खराब करना चाहते हैं उनकी 1 बजे ट्वीट आई। तो ये बात वो करें जितनी कर सकती हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन चौहान साहब एक चीज देखिए, फॉरेन पॉलिसी इसराइल के ऊपर, आपके वजीर आजम से पहले आपके आर्मी चीफ को जाना पड़ता है, और ये पूरे 2 साल का आपका जो है टेन्योर ट्रैक आप सारा उठा के देखें, सऊदी आर्मी चीफ जाता है फिर वजीर आजम जाता है, कोई बात सुनने और करने को तैयार नहीं होता। और आपका वजीर आजम चाहता है कि हमसाये से टेलीफोन पे बात कर ले, और 3 रोज तक वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। और फिर आप सऊदीया और चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना से बेहतरी हुई, क्या बेहतरी हुई सर? जो इसराइल पे हमने पोजीशन ली है पाकिस्तान ने, ये बहुत पुरानी पोजीशन है, ये बहुत पुरानी पोजीशन है, आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है नॉट वैलिड फॉर इसराइल, ठीक है ना जी। ये कोई ऐसी नहीं है जो इमरान खान साहब ने आज नया काम किया है, ये कोई नया काम नहीं है, सबका ये स्टांस है। फॉरेन पॉलिसी का फेलियर हुआ है। रवानी साहब एक मिनट क्विक रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब, महावीर साहब की कॉन्फ्रेंस में जा नहीं सकते। डॉक्टर साहब ये जो नक्शे में आपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा इंशाल्लाह जो कि फिजिकली भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह, तो उसमें आप कब जा रही हैं? कहते हैं अली अमीन गंडापुर नहीं जा सकता, वो जो नक्शे में आपने ले लिया है, ये इसको दुनिया बहुत डिफरेंट एंगल से भी देख रही है, इसका क्या मकसद? अब नक्शे में आने का मतलब हमारे पास आ गया है, अब कब जा रही हैं आप जम्मू कश्मीर? अली अमीन गंडापुर के साथ हमारे बच्चों में, हमारे सिलेबस में, इवन इससे पहले भी आप देखेंगे इंटेंशली नक्शे की क्या आप बात करते हैं लोगों, बच्चों को हमारे, ये चीज बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में। मैं एज अ पॉलिटिक्स तो एक साइड पर कर दें, कश्मीर हमारा जो है हमारे एक अटूट अंग है, कश्मीर के लोगों का दिल हमारे लिए धड़कता है, वो उनके जो शहीद हैं वो पाकिस्तान के परचम के अंदर उनको दफनाया जाता है। इससे पहले मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी, हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर थे ही कौन से, फॉरेन मिनिस्टर भी तनख्वाहें बाहर से ले रहे थे। आसिफ बात सुने ना एक सेकंड, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी जरा खामोशी से सुने, अभी जो बात ख्वाजा मोहम्मद आसिफ थे जी, मैं नाम बता दूं आपको, पहले बात ख्वाजा आसिफ साहब थे वजीरे खारजा, आइसोलेशन का डिप्लोमेटिक, डॉक्टर साहिबा ख्वाजा आसिफ साहब थे वजीरे खारजा, अब रूहानी साहब रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेके आई पाकिस्तान, तरीके इंसाफ पाकिस्तान में कश्मीर के इशू को, हुकूमत और अपोजिशन की वजह से रूहानी साहब को टाइम नहीं मिला। रूहानी साहब आपने दोनों की बातें सुनी, इस इनिशिएटिव को एक तो इसराइल के ऊपर जो रीफॉर्म किया पाकिस्तान ने, ये पोजीशन क्योंकि शकूक व शुबात पैदा हो रहे थे, लोग सवालात उठा रहे थे यूएई के बाद, आपने इस्लामोफोबिया का जिक्र नहीं किया, अफगानिस्तान को लेकर भी जो बात थी हमारा मौकफ था, उसके अंदर भी हमारे जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, जो एक आप पीटीआई वालों को ना वन ऑन वन बुलाया करें, नहीं मैं सर रूहानी साहब बड़ा टाइम कम हो रहा है, वन ऑन वन बुलाया करें ना तो बात सुनने का हौसला है, नहीं डॉक्टर साहब आप प्लीज आप रूहानी साहब को करने, इस पे बात आप दोनों कर चुके हैं सर, कश्मीर स्पेशल इशू के ऊपर, ये जो नक्शे को शामिल करने का इनिशिएटिव है आपका, क्या ठीक है इसके ऊपर? मैं सर आपको बताऊँ कि देखें, नक्शे में शामिल कर लेने से क्या वो मिल तो नहीं जाएगा, एक बात तो ये है, वो तो कोई भी कर सकता है। अब देखना ये है कि पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान वो क्या चाहते हैं, आया वो भी जंग चाहते हैं कि नहीं? वो बिल्कुल जंग नहीं चाहते हैं। अच्छा, वो मिलना चाहते हैं, वो कोऑर्डिनेशन चाहते हैं। ये तो हुकूमतों के सिलसिले, मैं अब आगे इससे कुछ कहना नहीं चाहता, वो बड़ी सख्त बात हो जाएगी, कहना चाहिए ना जी, नहीं फिर वो बाहर बात तो जाना, डाइजेस्ट हो जाए बाहर भी तो जाना है, ये ना हो बाहर। सूरत हाल सर ये है कि पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, ये गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट उनकी है, हमारी तो सिलसिले हैं, अंदरून खाना आप समझते हैं, अब मैं उसको मज़ीद इंडिकेट नहीं करना चाहता,
ऐसी कहानी नहीं है, जैसा कश्मीर को दिखाया जा रहा है ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन जुनूनियत तो है ना सर, दोनों मुल्कों के अंदर खास और इंडिया के अंदर। अब यार लोग कितना कितना बरस हो गए हैं, कितने आगे की उधर क्या देखी, कितना साल आगे निकले हैं, लोगों की जिंदगियां क्या है वहाँ, क्या हशर होता है जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के साथ। सर वो हशर हम तो यहाँ हमें दिखाया जाता है, इन रियल सेंस आई डोंट नो कि ऐसी सिचुएशन है भी कि नहीं है। बहरहाल छोड़ें, वो तो सर पूरा एस्टेब्लिश है। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये बड़ा इनिशिएटिव नहीं है, वो कोई भी कर सकता, आपका ये पोजीशन है। मैं तो यही समझता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, अपोजिशन का रोल इस टू ईयर्स के अंदर कैसा रहा? विद इन अपोजिशन एक दूसरों को वादे किए गए, वोट किसी और को दिए गए, दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो किया एक दूसरे के साथ, एक आपका ये टेक क्या है? और हुकूमत ने, आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये एहतसाब नहीं हुआ बल्कि एक विश हंटिंग हुई है ये, आप किस तरह इन चीज़ों को देखते हैं अपोजिशन के हवाले से? अपोजिशन भी फेलियर रही है इस पूरे सिनेरियो में। अगर वो चाहते हैं तो जो सिनेरियो क्रिएट कर सकते थे, जो टफ सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे, वो नहीं हुई। उसमें उनके आपस में मामलात जैसे भी थे वो सेटल नहीं हो सके, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वो अपना रोल प्ले नहीं कर सके। और गवर्नमेंट को उन्होंने, मैं तो समझता हूँ, फ्री हैंड दिया, और गवर्नमेंट अपना, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये अपना टाइम पूरा करेगी, ऐसी सूरत हाल नहीं है, और करना भी चाहिए, लोगों ने दिया करना भी चाहिए, क्योंकि समझ आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं ना कि जी ये दो साल में तो हमने कुछ नहीं किया, वो खुद कहते हैं कि हमने सिचुएशन को संभाला है, तीसरा साल हमारा टेक ऑफ का वो टाइम है कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। बहरहाल एक और जो मैं, लेकिन अपोजिशन की वजह क्या, तकसीम देखें दोनों के, आपको लगता है एजेंडा सेम नहीं है हुकूमत के अगेंस्ट, ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है इतना, या केसेस इतने हैं, क्या हुआ कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं नजर आई अभी तक? अभी तक इकट्ठी नहीं नजर आई। वो इकट्ठे होते हैं अगले दिन वोट चुप करके कोई किसी को दे आता है, देते हैं इंटरनल, ये एक दूसरे से अभी मुखलिस नहीं है अपोजिशन। और वजह मुखलिस ना होने की, केसेस हैं, दबाव है, प्रेशर है, यही है उनके आपस के मामलात हैं, कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जो वो मंजर आम पर। आपका ख्याल है कि ना अपोजिशन टफ टाइम देगी गवर्नमेंट को, नहीं कुछ और, कोई ऐसा टफ टाइम नहीं मिलने वाला टेन्योर में, टाइम पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। और हाँ, ये आखिरी तीन साल अगर ये कुछ कर गए तो मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि आने वाला टाइम फिर इन्हीं का होगा, अगर ये तीन साल पीटीआई का, यस, अगर ये तीन साल परफॉर्म कर गए तो, क्योंकि इसी तरह जैसे दो साल में परफॉर्म किया, दो साल में थोड़ा ज्यादा, वो तो खुद मानते हैं, वो तो मानते हैं कि हमने दो साल में तो सिर्फ हैंडलिंग, जो आपने स्टेटमेंट दी है कि दोबारा आ सकती है पीटीआई इसी परफॉर्मेंस पे नहीं जो मौजूदा है, नो, तीन, ये अब तीसरे साल और चौथे साल जो सूरत हाल बनेगी, आई थिंक अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, अच्छा, नो डाउट, हमारे दोस्त चोई साहब पिछली दफा मिनिस्टर थे, वो तो होप लगा के बैठे हैं नए इलेक्शन की और दोबारा पार्लियामेंट में। चोई साहब, नए इलेक्शन का तो यकीन है हमें, इंशाल्लाह होगा आफ्टर थ्री इयर्स, देखें टेन्योर कंप्लीट होने के बाद। नासिर साहब, सर, सियासी इस्तेहकाम इमरान खान साहब का नारा नहीं है, ना ही दो साल में उन्होंने काम किया इसके ऊपर। सियासी इस्तेहकाम के लिए मियां नवाज शरीफ ने, मोहतरमा बेनज़ीर ने, और फिर मियां नवाज शरीफ ने मोहतरमा के बाद उसे जारी रखा। 2013 के इंतखाबात के बाद कोई ऐसी जमात बता दें, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, जिसके घर चल कर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं गए कि आइए पार्लियमान को जो मैंडेट मिला है उसके मुताबिक काम करें। अब क्या कर रही है अपोजिशन? जी बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ ना। आज आप पीपल्स पार्टी कुछ और, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे गुजारिश करने दे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर हमने पांच साल में कोई एक मौका नहीं आया कि केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट ने वफाक से कोई ऑफिसर मांगा हो तो उन्हें मिला ना हो, उन्होंने किसी को वापस भेजा हो तो हमने कहा कि नहीं जी आपने रखना है। ये सियासी इस्तेहकाम था, जारी रहा। इमरान खान साहब ने बदकिस्मती से इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं वो कर सके। अगर आप देखें तो सिंध के साथ कितना आईजी पे फड्डा रहता है, और पंजाब में पजामे की तरह बदलते हैं, केपीके में ऑफिसर्स को पजामे की तरह बदलते हैं, बलूचिस्तान में मियां नवाज शरीफ के पास अक्सरियत थी लेकिन अब्दुल मालिक, डॉक्टर अब्दुल मालिक को वज़ीर आला बनाया अपने वोट दे के,
कि कोई ये महसूस ना करे कि मैं दूसरे से पीछे हूँ, आइए मिलकर आगे चलते हैं और चलाते हैं। केपी में भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दी थी एक बार अभी शुरू में, अभी भी। अब क्या हुआ, अब सर मुझे बताइए, मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ के ओपोजिशन से। अगर तो ये है कि कोई जलसा जुलूस होगा, पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा जाएगा, कहीं कोई अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा, कुछ सड़कें ब्लॉक होंगी, तो ऐसी बात नहीं है। विद इन द लिमिट्स जो मेरे राइट्स हैं उसके मुताबिक एहतजाज हर चीज पे रोज होता है। बगैर भी करके देख लें आप किस बेस पर लेकर आएंगे, किसको लेकर आएंगे। मैं आपकी तरफ उनका खत्म फिनिश हो रहा है, सिर्फ एक चीज सर बात कर दे, मैं ये करूं। जब 2018 के इंतखाबात खत्म हुए तो कहा गया, जरदारी साहब ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब इस असम्बली से मुल्क को चलाइए और आगे बढ़िए, मिसाक मईशत कीजिए। अब ये उनको मैनिपुलेट करके मेरा सवाल आपसे है कि आप और पीपल्स पार्टी बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, अगले दिन किसी को नहीं पता होता कौन छुप के किसको वोट दिया है, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, ये बदकिस्मती है, ये बिल्कुल ये बदकिस्मती है, इसमें पार्टी लीडरशिप का उतना कसूर नहीं है। दबाव है जी, बिल्कुल दबाव नहीं है, नहीं रहता है। जिस तरह बहुत सारी पार्टियों से लोगों को तोड़ के एक मखसूस, हमारे बहुत सारे इदारे इस पर काम करते हैं, बदकिस्मती है कि वो कौमी इदारे हैं, रियासत के इदारे हैं, कि उन्होंने बहुत सारे लोग तोड़ के पीपी से, नून से मुशर्रफ साहब को भी दिए और उस वक्त काफ लीग बनी। अभी आप पीटीआई की सारी कैबिनेट देखें तो आज गुलाम सरवर खान साहब की भी तस्वीरें छपी हैं कि तीर निशान पे इलेक्शन लड़ा, साइकिल पे लड़ा, बल्ले पे लड़ा। तो इसी वो तरह कि इनको ना वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग, इसी तरह मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो हैं सर, ये वो अपनी कमजोरियों की वजह से, अपने मफादात की वजह से ये करते हैं। ये बतौर सियासी वर्कर, बतौर सबका मेंबर पार्लियामेंट, मुझे मानने में और ये कहने में कि मेरी सियासत का ये स्याह बाब है, मुझे कोई मजायका नहीं। ये जो अब हो रहा है इन दिनों में, जी जी, इससे पहले भी आप, लेकिन लीडर्स करते हैं ना सर, देखिए दो लीडर्स तय करते हैं कि हर डिसीजन रहबर कमेटी में होगा, एक्सटेंशन का वोट देना तो हर कोई दौड़ों में लगा हुआ था, पहले डिबेट लंबी होगी। लीडर्स ने नहीं किया, लीडर ने फैसला किया, वो लेके आए और एक कैंडिडेट लेके आए, वोट अक्सरियत थी, खड़े हुए, सारे मौजूद थे, बताया मैंने, लोग करते हैं और वो हुआ। अभी पीटीआई में जो लोग शामिल हैं, क्या वो सारे पीटीआई की वो 22 साल जदोजहद वाले, वो सारे वो हैं, कल कोई नून में था, कोई पीपल्स पार्टी में था, कोई काफ लीग में था, आज सारे वहां इकट्ठे। नुशाबा साहबा, कैबिनेट के अंदर आप गौर करें तो आपको लगता है कि तीन चार पिछली कैबिनेट्स की तस्वीरें इकट्ठे देखिएगा प्लीज, सामने रख के, आपको तो बहुत से चेहरे मिलेंगे जो उधर भी थे, उधर भी थे, उधर भी थे, अब आपके साथ हैं और अगली दफा कहीं और होंगे, जहां रूहानी साहब ने वैसे बाय द वे आपकी प्रेडिक्शन दी है। जाफर साहब ने बड़ी प्यारी बात कर दी पहले इनकी तमाम बातों में, जो आखिरी बात थी के पाकिस्तान में जो पार्लियमान रहा, कुछ छह खान हमारी जो सियासी निजाम, आपकी बात को उन्होंने लाइक किया, वो एक जो धड़े की सियासत आप कह ले, छह खानदान ही विराजमान रहे, वो ही लेगेसी लेकर चलते रहे। उससे ये हुआ कि जो जड़ें थी, जो रूट्स थी इन्हीं खानदानों की, वो ब्यूरोक्रेसी में ले लें, वो पार्लियमान में ले लें, इन्हीं की जड़ें वो बहुत दूर तक फैली हुई थी, जो कि बजाहिर तो नजर आ रहा था दरख्त, लेकिन वो इंटैक्ट नहीं था, वो खोखला था, इन्हीं के लोग बिठाए हुए थे। मुफाद की सियासत है, नजरियात की, जब ये मुफाद की बात करें, सियासत की बात करें, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगी। जब ये कौमियत के ऊपर बात करते हैं तो कौमियत में लेगेसी ट्रांसफर नहीं होती, कौमियत में नजरिया ट्रांसफर होता है। आपने बात की अपोजिशन के किरदार की, बिल्कुल आप कह रहे हैं नजरिया तब्दील नहीं हुआ आपका इन दो सालों के बीच में, इक्तदार लेने के लिए, आजाद कैंडिडेट को साथ मिलाने के लिए होता है। देखिए अभी आप मेरी बात सुने, सेनेट का आप इलेक्शन ले लें, आप ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के हमारे देख लें, इसके अंदर आप जो लोग थे हमारे लिए मुश्किल था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मार्स से या जुपिटर से या अमरीका से लोग नहीं लेके आने थे, ये हमारे में जैसे एक तहरीके इंसाफ के अंदर से ले आते ना बीबी, जो थे ये इन्हीं लोगों के मुफाद परस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये मानते हैं हमारे यहाँ सियासी निजाम ही ऐसा है, जो कि आपके जो उस्मान बुज़दार है ना डॉक्टर साहब, उस्मान बुज़दार कितना अरसा पहले वजीर आला बनने से आपकी पार्टी में आए, आप डबल चेक कीजिएगा, ये महीनों की बात है, तीन या चार महीने पहले एक शख्स आता है, वो सबसे बड़े सूबे का वजीर आजम से भी बड़ी पोजीशन लोग कहते हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है बहुत हैवी वेट पोजीशन है। लाहौर की बात ना करें, नहीं मैंने कहा उस्मान बुज़दार कब ज्वाइन किए थे, तीन महीने पहले और वजीर आला बन गए। नासिर साहब तीन दहाइयों से
जो लाहौर था ये वो जो मुगल का कोई तख्त तो नहीं था कि बदल नहीं सकता था, किसी के वालिद का मुल्क नहीं। नहीं, आपने बदला, आपने बदला, मैं ये नहीं कह रहा पीटीआई ने बदला, मेरा सवाल ये है कि एक शख्स जो 3 महीने पहले पार्टी में आया वो वजीर आला है। सुनिए जरा, क्या शायद खाकान अबासी ने भी ये वालिद वाली बात की पार्लियामेंट के अंदर? खैर वो सर एक और डिबेट है। डॉक्टर साहब क्विकली आप मुझे ये, आप डॉक्टर हैं, आपसे ज्यादा कौन समझता होगा हम सब में से, ये बताइएगा एक अगर कैदी है वो पंजाब हुकूमत की कैद में है, पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल है, पंजाब पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्हीं की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जो कि वेल नोन डॉक्टर भी हैं, तमाम चीज़ें आपकी हैं, कैदी आपकी कस्टडी में है, क्या बीइंग डॉक्टर ये भी हो सकता है कि कैदी जाके गलत रिपोर्टें बनवा के ले आए? रिपोर्ट्स तो आप लोगों ने बनाई, यास्मीन राशिद ने बनवाई हैं, अब आप लोग कहते हैं वो, क्या यास्मीन राशिद मिली हुई है उनके साथ? यास्मीन राशिद साहिबा की रिपोर्ट ही थी डॉक्टर अदनान से, आज भी हमने कहा क्या इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कभी भी जो बना था बोर्ड वो उनके अपने डॉक्टर्स, क्योंकि ये तो तसल्ली नहीं करते। किसने बनाया था बोर्ड वो, किसने बनाया? मैं एक चीज डॉक्टर हबीब नासिर साहब, मैं एक चीज आपके तवज्जो से प्रोग्राम की जरूर कहूंगी कि मैंने आपसे जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जड़ें हर जगह फैली हुई हैं इन्हीं के लोगों की, और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हो सकता है कैबिनेट में भी हमारे ही लोग बैठे हैं, उमर यूसुफ साहब हमारे भेजे हुए हैं। ये बात भी बयान आप देखें कि वो जहाज पे चढ़ते ही और उधर जाके जो उनकी तबीयत तबीयत फौरन बहाल होगी और वापस। नहीं, मैं तो रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आप समझे बतौर डॉक्टर, तो आपकी हुकूमत है, आपका हॉस्पिटल है, आपकी बॉडीज लगी हुई है वहां पे, वो कैसे हो गया? तो तहरीक इंसाफ मिली हुई थी इसमें, ऐसी बात थी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई वो तो ये था कि अल्लाह माफ करे कि शायद अगले लम्हे की अगले दिन। नहीं, रिपोर्ट्स तो आपने ली ना, आप देख कैदी की रिपोर्ट्स कौन लेता है? कैदी की रिपोर्ट या जेल में ली जाती है या गवर्नमेंट लेती है, तो रिपोर्ट तो आप लोगों ने ली। नहीं, आप ये देख लें कि कैदी के जो डॉक्टर थे डॉक्टर अदनान, वो उनके डॉक्टर अदनान रिपोर्ट नहीं ले रहा था मैडम, वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो बोर्ड बनाया था वो ले रहा था, कबूल ही नहीं करते थे। ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि कैदी, वो तो जाते थे जो है, नहीं उसको तो कैदी एक हॉस्पिटल थे जो पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई नासिर साहब उसके अंदर। नहीं, कहां से आई रिपोर्ट? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दी, जो आपकी हुकूमत ने दी, पंजाब हुकूमत के डिफरेंट लैब्स ने दी, उन्हीं की बात हो रही है। हम इसके अंदर ये वाली बात है कि हम आप अपनी, हम जब सियासत में डॉक्टर्स की भी उसके ऊपर अगर हम शक में आ जाएंगे तो इसके अंदर हम मुल्क में एक नई, मेरे ख्याल में हमें लोगों को उस। डॉक्टर साहब मैं तो अभी भी आपसे पूछ रहा हूँ, हॉस्पिटल आपका, लेबोरेटरी आपकी, बंदे आपके लगे हुए, हुकूमत पीटीआई की, तो पीटीआई ने बनाई है वो रिपोर्ट, समझ नहीं आ रही हमारे ना के नासिर साहब। डॉक्टर अदनान, डॉक्टर अदनान रिपोर्ट नहीं बना रहा था, डॉक्टर अदनान रिपोर्ट्स बना रहा था या आपकी लैब बना रही थी पीटीआई की, हुकूमत की लैब? नहीं, लैब हमारी नहीं, बंदे तो नहीं थे हमारे, तो नहीं थे उसमें सारे बंदे, पंजाब हुकूमत में इनके बंदे आ गए हैं। ठीक है, मुझे ये समझने दे रूहानी साहब से, रूहानी साहब एक आखिरी बात जी। नासिर साहब ये अपोजिशन की बात करते हैं, अभी आप कह रहे थे एपीसी का जो इनका इजलास किधर गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्यादत किधर गई, कश्मीर इशू कल शहबाज शरीफ मिल रहे हैं किधर गया, इनके पास जो पायलट है जहाज चलाने के लिए वो पायलट अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब है, और फिर बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की क्यादत, ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं आपसे फिर बात, आप नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं, कैसे लाएंगे नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं आप, और आप समझते हैं कि आपका गलत फैसला था ये? इसके लिए बिल्कुल हम लेकर आ रहे हैं उनको वापस, और उसके लिए हमारा इसके, आप जल्द उसके ऊपर सुनेंगे कि चाहे उसके अंदर हमें जो है अपने सफारती जो ताल्लुकात हैं हमने उनको दोबारा से अलर्ट किया है यूके में, और इंशाल्लाह इंग्लैंड से हम उनकी बहुत जल्द डिमांड कर रहे हैं वापसी नहीं होती किसी को वापस लाने। ठीक, मैं सर रोहन साहब आसर आता हूँ, आप मुझे रोहन साहब ये बताइएगा, ये मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि जिसकी हुकूमत है, जिनका हॉस्पिटल है, जिनकी वजीर आला है, जिनकी हेल्थ मिनिस्टर है, तो एक कैदी अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनवा लेता है, और ये हो भी सकता है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इवन ये तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मुझे समझ नहीं आती उनके इतनी तेजी से प्लेटलेट्स कभी अप हो रहे हैं कभी डाउन हो रहे हैं, हम ये मजबूर हैं कि जैसे वो कहते हैं हम उनकी बात मान लें, तो मजबूर होकर इन्होंने ये एक्शन किया। अब पीछे इसके क्या बैकग्राउंड था? नहीं, मजबूर कैसे, खान साहब तो कहते हैं मैं हमेशा क्रिकेट खेला हूँ, कभी प्रेशर में नहीं आया, प्रेशर में नहीं आया। खान साहब को अगर बताया जाए कि भाई बंदा जौन सा है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, कन्वे किया, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, तो खान साहब ने तो इस कंटेस्ट में कहा कि भाई ये क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी हैं, मेरे खुद अपने बंदे ये बता रहे हैं, तो ठीक है
उधर लेकिन अगर जाकर गलत अगर ये रिपोर्ट्स बनी हैं, पाकिस्तान में वैसे होता भी है, आप बहुत कुछ होता है यहाँ पैसे देकर, अगर गलत रिपोर्ट्स बनी हैं तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एजिस की बात कर रहे हैं इंक्वायरी की और सारी चीज़ों की। अगर गलत रिपोर्ट्स बनी है ना तो उसमें तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, पंजाब क्यों बनी, हुकूमत क्यों, यस उसके मौजूदगी में हुआ है सारा, ठीक। तो और उनको आपको लगता एक्शन है लेना कि चाहिए। नवाज शरीफ वापस आएंगे या हुकूमत ला पाएगी? नासर साहब एक मैं खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ को कोई नहीं ला रहा, नवाज शरीफ साहब खुद आ रहे हैं। खुद आ रहे हैं? यस, अच्छा, ये मेरी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है करीब, ये आप इससे ब्रेकिंग न्यूज़ समझ, वीक्स में, इयर्स में, मंथ्स में? मंथ्स में खुद आएंगे वो। यस, और उसकी वजह क्या है? अपना पॉलिटिकल सर्वाइवर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पीछे उनके पावर है ना। सर बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, वन वन कमेंट आपका। सर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जी? ये क्यों नहीं आएंगे, ये मुल्क है, ये वतन नहीं, है। आए तो जद्दा से भी वापस थे, जी पर साला साल थे। बाद वापस आए थे। नहीं आए थे, अब भी आ रहे हैं उसने अरसे के बाद। नहीं, जल्द इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ यहाँ होंगे। और रही बात के सफारती तल्लुकात, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। जिनके बस में पंजाब की लेबॉरटरीज नहीं, अगर इन्हीं की जुबान में बात करें तो वो फिर सफारत खाने उनके मतहत काम कर रहे होंगे और वो आएंगे और जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए आ पैसे रहे हैं, लेके कुछ भी होता है पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए आ रहे हैं कि वो जिस बीमारी के लिए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ उनके इलाज में, एक प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह डॉक्टर्स ने जो टाइम दिया है अगले चंद दिनों में हो जाएगा और वो वतन वापस होंगे इंशाल्लाह। और वतन वापस इसलिए भी आना ज़रूरी है उनका कि हमने एक वादा किया था और उस वादे को निभाना है। पहले भी वादे निभाए हैं, जितने वादे मियां नवाज शरीफ, और खुद वो लीड करेंगे वो पार्टी को या मरियम या शहबाज में से कोई? मियां शहबाज, मियां नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, करते रहेंगे। अल्लाह ताला उन्हें पार्टी लीडरशिप कहाँ देखते हैं? अल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे। मियां साहब मौजूद हैं, वो कायद हैं, वो फैसले करते हैं, बाकी सब उनके फैसले। वही आएंगे, वही लीड करेंगे। वो आएंगे, वहां बैठ के भी वही लीड कर रहे हैं, जेल के अंदर बैठ के भी वही लीड कर रहे थे। इनके दो तीन बुजुर्ग ने कहा सियासत कर रहे हैं, सियासत नहीं करेंगे तो नान चने की रेडी लगाएंगे, क्या नहीं करेंगे, सियासत ही करेंगे ना सर। बिल्कुल, तो जेल में हो, बिस्तर पे हो, मरीज हो, सियासत करेंगे। डॉक्टर साहब, आप मियां नवाज शरीफ की एक तस्वीर, डॉक्टर साहब आखिरी बात, जिस हुकूमत के छः छः वज़रा एक तस्वीर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले उस शख्स की सियासी कुव्वत का आप अंदाज़ा लगाएं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, क्विकली, क्या नवाज शरीफ आपको सूट करता है दूर रहना लंदन के अंदर, या वो यहाँ जेल में, या यहाँ एक्टिव नवाज शरीफ आपको सूट करता है? साहब, नवाज शरीफ सिर्फ तारीख की किताबों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ये तारीख और हिस्ट्री का नाम है नवाज शरीफ। यही हम कह रहे हैं, तारीख में बच्चे पढ़ेंगे, मियां नवाज शरीफ तारीख का एक हिस्सा है इंशाल्लाह। आप भी डॉक्टर साहिबा मोटरवे पे सफर करती हैं, आपके घर में बिजली जलती है, आप माल बचा रहे हैं और अपनी जिंदगी और सेहत की दुआ करें। नवाज शरीफ करप्शन वाले जो है वो जहांगीर तरीन साहब स्पेशल फ्लाइट, और जैसे मीर सादिक का नाम जिंदा है ऐसे ही नवाज शरीफ का नाम जिंदा रहेगा तारीख की किताबों में इबरत के नाम पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चोई साहब आपका बहुत शुक्रिया। नहीं पड़ता वो किधर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमें कोई डर। डॉक्टर साहिबा फर्क पड़ता है, इमरान खान साहब की नब्ज पे हाथ रखें, एक तस्वीर, एक कॉफी का कप, खत्म, पूरे मुल्क में तूफान। बहुत शुक्रिया चोई साहब, रूहानी साहब एंड डॉक्टर साहबा फॉर अनदर डिबेट, एक और डिबेट होगी आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुकूमत नवाज शरीफ को ला सकती है, लाना चाह रही है, या वो खुद आएंगे, कब तक आएंगे, इसके ऊपर हमारी फॉलोअप रहेगा। और जो क्लेम है हुकूमत के और अपोजिशन ने जो आज वाइट पेपर इशू किया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, इसके ऊपर हमारा फॉलोअप जारी रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।